हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के सेशन में मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए आप आज रहने वाले फोर इंटरडे स्टॉक्स के लिए ट्रेडिंग सेशन करें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस। साथ में निफ्टी को अगर हम लोग 15 मिनट से स्टार्ट पर देखेंगे तो दो दिन से हम लोग अच्छे से हम लोग कर सकते हैं साइडवेज वाला जो ट्रेंड है वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिला है। स्पेशली बैंक निफ्टी में तो काफ़ी ज़्यादा आया ट्रेंड हमारा साइडवेज रह चुका है। इस समय मैं आप लोगों को उसका चार्ट दिखाऊंगा निफ्टी का, आप लोग देखेंगे डे एंड में आके इसने थोड़ी सी बुलिशनेस यहाँ पे हमें दिखाई है। कल का सेशन में डे एंड का मूव देख के तो चांसेस लग रही है थोड़ी गैप ओपनिंग होगी, गैप ओपनिंग के साथ में हो सकता है कि अपने वाले हाई को दोबारा से टेस्ट करने के लिए ऊपर की साइड में आए, जो है लेवल अराउंड 18,260 के अराउंड, इस वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर की साइड आ सकता है। और अगर ऊपर की साइड आएगा तो हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक अच्छा खासा हम लोग का यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान बन सकता है और वो हम लोग को फिर अगेन इस वाली रेंज के अंदर तक का टारगेट दिलवा सकता है, जो है 18,190 का। ये टारगेट हम लोग को आसानी से अचीव हो सकता है, या फिर मैं कहूँ हो सकता है ट्रेंड लाइन को, इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है, जो हमारी ऑलरेडी फर्स्ट टाइम अभी टेस्ट हुई थी, फिर आप लोग देखेंगे सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम टेस्ट हुई थी, फिर आज के सेशन में इसने अगेन टेस्टिंग करी के एंड में और फिर यहीं से हम लोगों को मोमेंटम दिखाया, तो हो सकता है हमें ट्रेंड लाइन तक का भी टारगेट देखने के लिए मिल जाए। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ये नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ ना जा करके नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग अपना क्या ट्रेड प्लान बनाएंगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर नीचे की तरफ आता है फिर यहाँ से रिवर्सल अगेन दिखाता है ट्रेंड लाइन से और अपने इंपॉर्टेंट लेवल से, तो हम लोग फिर से यहाँ से बाई साइड का एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान बना सकते हैं। टारगेट हम लोग ये रखेंगे 18,250 से 260 बनेगा हमारा टारगेट आसानी से निफ्टी के अंदर। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा निफ्टी का व्यू। याद रखिए अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें यहाँ से सेल ऑफ देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से दो दिन से आप लोग देखेंगे स्पेशली इन दो दिन में इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे वीक के साथ में इसको होल्ड करा हुआ है इस वाले ट्रेंड लाइन को, मतलब निफ्टी जो है इसको रिस्पेक्ट दे रहा है ट्रेंड लाइन को। तो अगर इसका ब्रेक डाउन आया तो चांसेस होंगे यहाँ से हमें बियरिश मूव देखने के लिए मिले, और मेरे हिसाब से कल की चांसेस तो ये रहेंगी कि हमें थोड़ा ट्रेंडिंग दे देखने के लिए मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर करेंगे आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो निफ्टी में हमें यहाँ से चांसेस अगर ब्रेक डाउन मिले तो हम लोग टारगेट का प्लान करेंगे 18,080 तक का, हम लोग आसानी से अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को फ्लैट ओपनिंग की सारी चीज़ें बता दी, कोई भी चीज़ लेफ्ट आउट रह गई हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ। मैं बात कर लेता हूँ गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की। गैप ओपनिंग होती है हमारी चांसेस पूरी रहेंगी, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से गैप ओपनिंग हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाई चांस अगर 18,280 के आसपास ओपनिंग दिखा दी शार्प सेल ऑफ के साथ इसके अंदर हो सकता है हमें देखने के लिए मिले। अगर आता है तो चांसेस रहेंगी कि निफ्टी अगेन इस वाली लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा फोर्स होगा तो वो कोशिश करेंगे कि एक बार दोबारा नीचे की तरफ आए। तो आप छोटे से मूव के लिए ज़रूरी नहीं पूरा टारगेट लें, छोटे से यहाँ तक के प्रीवियस जो क्लोज तक के टारगेट के लिए या फिर मैं कहूँ गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए ही ट्रेड अपना बना सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट मत करिएगा। और चांसेस अगर आप लोग देखेंगे कि तो गैप ओपनिंग की मुझे इसलिए कम लग रही है, यहाँ पे सेलर्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड हमारी 0.4% की गैप ओपनिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि गैप ओपनिंग हो। अगर होती है तो हम लोग उस वाले ट्रेड को अवॉइड करेंगे, फिर हम लोग इंतजार करेंगे कुछ हमारे लेवल से रिजेक्शन दिखाए, जैसे ये लेवल हो रिजेक्शन हो गया, या फिर अगर गैप ओपनिंग यार यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो हम लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान भी अच्छा खासा अपने यहाँ से बना सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को गैप ओपनिंग का व्यू एकदम क्लियर होगा। बात कर लेते हैं फटाफट से गैप डाउन ओपनिंग की। एक बार मैं गैप डाउन ओपनिंग अगर बात करूँ ट्रेंड लाइन तक की, 0.3% की गैप डाउन ओपनिंग, तो हमें कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ तक हमारी ट्रेंड लाइन आएगी, वहाँ से रिवर्सल दिखाएगा तो हमें पता है हमें क्या करना है, वहाँ से हमें एक रिवर्सल ट्रीटमेंट करना है। ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग वहाँ से शॉर्ट साइड का ट्रीटमेंट बनेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग 0.5% के अराउंड होती है तो हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग होगी, ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग होगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जैसे अगर उसने ऊपर ही साइड मोमेंटम दिखाओ यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनाई तो हम लोग शॉर्ट साइड का भी एक अच्छा खासा बना सकते हैं। याद रखिए और फिर जो हमारा टारगेट मिलेगा वो बनेगा हमारा यूएस जे लो तक का, जो है 18,080 या फिर 90 आप लोग एक्सपेक्ट कर लें, मैं इसको डेडलाइन ड्रॉ कर देता हूँ 18,090 के अराउंड हम लोग आसानी से ट्रेड पैन, या फिर 80 से 90 आप लोग कह लीजिए 18,080 से 18,090 हमारा आसानी से टारगेट बन सकता है निफ्टी के नीचे की साइड आता है प्रीवियस जो लो वाली इस वाई लेवल से परफेक्ट जो लेवल है इस वाई लेवल से रिजेक्शन दिखाता है अपसाइड के लिए, मतलब गैप डाउन ओपनिंग के यहाँ से अपसाइड के लिए रिजेक्शन दिखाता है, तो अपसाइड का व्यू बनेगा हमारा 18,160 तक का रहेगा हमारा टारगेट। आई होप गाइस आप लोगों को व्यू एकदम क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है और मैं आप लोगों का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहीं पर आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली पूरी निफ्टी के एनालिसिस की, फटाफट से बात कर लेते हैं भाई निफ्टी के एनालिसिस की। अगर इस एनालिसिस समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।
पहले मैं बैंक निफ्टी पे जो आपसे बात कर रहा था, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ, वो आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसके थ्रू हम लोग अपने स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वैसी चीजें हमें बनती नजर आ रही है। आप लोग देखेंगे पहले ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, फिर अगेन ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ये कौन सी कैंडल है, इसके अंदर पूरी कैंडल बनी है, ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो। ये ग्रीन कैंडल जो बनी है ना रेड कैंडल का हाई ब्रेक करा है ना लो ब्रेक करा, कुछ कहीं से कहीं तक ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारी इनसाइड कैंडल बन चुकी है। तो इंट्राडे पे हमारी कौन सी चांसेस होंगी पैटर्न मिलने की, जैसा मैंने आप लोगों से हर बार कहा है, कौन सा पैटर्न हमें मिल जाएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का हमें, तो सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी, अगर आप लोगों ने सॉरी वीडियो को नहीं देखा है तो फटाफट से आगे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा पैटर्न बन चुका है, आप लोग देख रहे हैं 2 दिन से, तो इसने जो बिल्कुल वॉलीटिलिटी है कहीं से कहीं तक हमें अच्छी नहीं देखने के लिए मिली है, बिल्कुल बैंक निफ्टी जो है साइडवेज जा चुका है। एक बड़ी कैंडल का मोमेंटम हमें देखने को मिला था आज के सेशन में, उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट करा, फिर स्लो एंड स्टडी मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। मैं इसे साइडवेज प्योर बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, साइडवेज में तो मार्केट ज़्यादा कहीं ट्रेंड ही नहीं करता, इसने मोमेंटम तो दिखा रहा है। आप लोग देखेंगे इस वाली लेवल से यहाँ तक का रिजेक्शन मतलब डाउनफॉल हमें देखने मिला है आज के सेशन में भी, हमें यहाँ से यहाँ तक का डाउनफॉल देखने मिला है। पर जैसे मैं कहूँ ना ट्रेंडिंग डे हो या फिर कुछ फास्ट मोमेंटम हो, मोमेंटम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब अगर सेलर्स ने यहाँ पे गिराने की कोशिश करी, उन्होंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करी, तो उनका स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल हिट कर देगी, क्योंकि प्रीमियम्स में भी बहुत तेजी से वापस की साइड जाने की चांसेस बढ़ रही है। आई होप गाइस आप लोग समझ होंगे, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को भी व्यू एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ऑप्शन इसमें बिहेव कर रहे हैं। अगर उसके अपोजिट साइड की कैंडल बन रही है तो तुरंत ऑप्शन, अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे कॉल बाई करी, कॉल बाई करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक कैंडल ऊपर बनाई, आपकी कॉल ने थोड़ा सा मोमेंटम हमें अपसाइड का दिखाया, जैसे ही एक रेड छोटी सी रेड कैंडल आएगी, कॉल का जो ऑप्शन है वो हमारा वो एकदम से हमारे स्टॉप लॉस के पास आने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसी चांसेस इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो आप लोगों को अपना रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड ही करना होगा। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे या फिर मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाई साइड का ट्रेड प्लान बनाएंगे, कौन सी लेवल के ऊपर, 43,320 के ऊपर, और सीधा टारगेट हम लोग लेंगे 43,445 तक, बहुत बड़ा हम लोग टारगेट इसके ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। तब तक के लिए 43,445 बन जाएगा हमारा पहला टारगेट, और याद रखिए अगर इसने मोमेंटम के साथ इसको भी यहाँ से क्रॉस कर दिया तो हमारा 43,600 टारगेट बहुत ही ज़्यादा आसानी से अचीव हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर डाउनफॉल आता है, नीचे की साइड ये ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है, तो ब्रेक डाउन अगर आया फ्लैट ओपनिंग के साथ, याद रखिए हमारी एक लेवल आ जाएगी 43,000, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये अगर आप लोगों का टारगेट जो लेना चाहे 43,000, वहाँ पे आप लोगों का रिश्वर्ट सही बैठे तो आप लोग ट्रेड जरूर कर सकते हैं, वरना 43,000 लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करें। जैसे ही ब्रेक होगी तो आप लोगों को एक आराम से 100 पॉइंट का मूव देखने मिल जाएगा, 42,970 के नीचे आप लोग ट्रेड करेंगे और 42,870 आप लोगों का आसानी से टारगेट अचीव हो जाएगा। चांसेस क्या होंगे, हो सकता है 830 तक भी आ जाए, क्योंकि ये वीक को हो सकता है अगेन टेस्ट करने के लिए, तो आप लोग 870 से 50 टारगेट अपना माने, उससे ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट मत। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आज का बैंक निफ्टी का भी व्यू, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को फ्लैट ओपनिंग के साथ में बता दी हम लोग क्या कर सकते हैं। गैपो ओपनिंग पे हम लोग क्या करेंगे, एज यूजल गैपो ओपनिंग अगर ऊपर ही साइड होती है, यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा, हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, सीधे ब्रेकआउट दे देगा तो भी हम लोग बाई साइड का ट्रेड पर मानेंगे, 600 बन जाएगा हमारा सीधा टारगेट। गैप डाउन ओपनिंग इस वाले एरिया तक होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके नीचे होगी तो हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड पर मानेंगे, या फिर अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट साइड का व्यू बना सकते हैं। मैं एक बार इसको परसेंटेज वाइज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी में 0.5% के अराउंड तक गैप डाउन ओपनिंग हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग यहाँ से शॉर्ट साइड का व्यू बनाएंगे 43,000 वाई लेवल के नीचे, और अगर ऊपर ही साइड जाता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे जब तक इस वाई लेवल को अगेन से टेस्ट ना करें या फिर इस वाली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ना दिखाए। इसके नीचे अगर ओपनिंग होती है, अगर मैं परसेंटेज वाइज आप लोगों से बात करूँ, 0.7% के अराउंड अगर ओपनिंग होती है तो हम लोग 43,000 वाई लेवल से अगर हमें रिजेक्शन देखने मिले तो हम लोग शॉर्ट साइड का अगेन व्यू बना सकते हैं, सेम ये बन जाएगा हमारा टारगेट। आई होप गाइज इसका भी व्यू आप लोगों को क्लियर होगा बैंक निफ्टी का, डिटेल में मैंने आप लोगों को एंट्री टारगेट बता दिया कि कहाँ पे हमारी एंट्री रह सकती है, कौन से सिचुएशन में हमारी क्या एंट्री रहेगी। लेवल्स का आप लोगों को अपडेट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरडे के पर्पज़ के लिए बैंक निफ्टी की सारी लेवल्स आप लोगों को मॉर्निंग के सेशन में मिल जाएंगी, फटाफट से आगे आप लोग टेलीग्राम पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर हमारे इस वाले चैनल पर भी यूट्यूब पर नए हैं तो फटाफट से यहाँ पर भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कल के सेशन के लिए पहले इंट्राडे स्टॉक्स की, जो रहने वाला है हमारा डीमार्ट। डीमार्ट को हम लोग देखेंगे 50 मिनट से चार्ट पे, हम लोग एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, अगर आप लोग 50 मिनट से चार्ट पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ में काफ़ी अपसाइड की एक अच्छी रैली जिसे मैं कहूँ दिखा रहा था।
अभी लेटेस्ट में इसने इसको टेस्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे, पहले जो टेस्ट करा था काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने मिला था, उससे पहले भी आप लोग देखेंगे यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने के लिए मिला था, मतलब दो बार से काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आ चुका था। तीसरी बार इसने इसको टेस्ट करा और यहाँ से हमें अप ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिला। आप लोग देखेंगे इसने इसको टेस्ट करा और यहाँ से अपसाइड ना जाने की बजाय कंसोलिडेशन में फंस गया, और कंसोलिडेशन में फंसने के बाद डे एंड में इसने एक ऐसी कैंडल बनाई जिसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन दे दिया। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन आ चुका है, वॉल्यूम्स को भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। वॉल्यूम्स को भी अगर हम लोग चेकआउट करेंगे वैसे तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ हमारी एवरेज वॉल्यूम जो दिन में आ रही थी उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने के लिए ऑलरेडी मिली। चांसेस है ब्रेक डाउन को हो सकता है फॉलो करे, फॉलो करेगा तो हम लोग कैसे ट्रेडमेंट बनाएंगे। काफ़ी अच्छी रेंज बनी हुई है कहाँ से कहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स के हिसाब में मैंने बना रखी है 4093 से अपसाइड और 4070 नीचे की साइड। तो अगर 4070 वाले लेवल को क्रॉस डाउन करता है हम लोग जा सकते हैं आसानी से शॉर्ट साइड के लिए, याद रखिए जो लोग थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं वो लोग इस वाले लेवल का भी इंतजार कर सकते हैं। जो है पी वी एस जे लो को अगर क्रॉस डाउन करें तो वो लोग इंतजार करना चाहें तो कर सकते हैं। जो लेवल है 4058 की, इसके नीचे भी शॉर्ट साइड के जा सकते हैं, वरना आप लोग 4070 के नीचे भी ट्रेड करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसानी से हम लोगों को 4040 बहुत ज़्यादा आसानी से टारगेट अचीव होगा, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हम लोग लेने वाले हैं 4320 के अराउंड या फिर आप लोग 25 के अराउंड, क्योंकि 25 पे कैंडल का लो आ रहा है, मैं इसका लो चेकआउट कर लेता हूँ। चलो 4025 आप लोग, तो 25 से 26 आप लोग अपना टारगेट प्लान करेंगे, और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज चेक करूँ तो अराउंड 1% का हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा, तो आसानी से हम लोग अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो लोग सेल साइड का ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, जो लोग रिस्की प्लेयर्स हैं वो लोग बाई साइड अगर ये अपसाइड चले आता है तो अपसाइड का ट्रेड भी बना सकते हैं, और 4093 के ऊपर जाएंगे बाई साइड के लिए, प्रीवियस जो है 4118 आप लोगों को आसानी से टारगेट मिल जाएगा। सेकेंड स्टॉक रहने वाला है हमारा एक्साइड इंडस्ट्री, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री चार्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल है 180 के आसपास की, 181 आप लोग कह सकते हैं, 181 से 181.5 के आसपास की जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और अगर मैं इसको आप लोगों को आना चाहूँ तो ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है आप लोगों को मैंने काफ़ी बार दिखाया है, ये बन चुका है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दूसरा पैटर्न मैं आप लोगों को एक और दिखाता हूँ, ये कौन सा पैटर्न है आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये हमारा कौन सा पैटर्न बना हुआ है, वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न भी हमारे यहाँ पे बना हुआ है। चांसेस है अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर ही साइड जो लेवल है, मैं परफेक्ट लेवल बता देता हूँ 181.8, इसके ऊपर अगर ये क्रॉस आउट करता है हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, टारगेट हम लोग 183.6 तक का आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए इससे पहले एक छोटा सा हर्डल और हमारे लिए आ सकता है 183 के अराउंड, 183 के लेवल पर हमारा बनेगा पहला टारगेट, 183.6 पर बनेगा हमारा दूसरा टारगेट अपसाइड के लिए। शॉर्ट साइड के लिए आप लोग ट्रेड करना चाहें तो यहाँ पे लेवल मार्क कर देता हूँ, पैटर्न के ब्रेकडाउन पर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं इस वाले कंसोलिडेशन के नीचे आसानी से, क्योंकि अगर मैं इसका एक्सपेंड करूँ तो ये बन चुकी है यहाँ पे हमारी रेंज। इस रेंज के ब्रेकडाउन पर आप लोग अपना शॉर्ट साइड का व्यू बना सकते हैं, 179.7 के नीचे हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, इसका टारगेट हम लोग लेंगे 178.3, ये लेवल बन जाएगा हमारा टारगेट। तीसरा स्टॉक हमारा रहने वाला है अंबुजा सीमेंट, जिसमें भी हमें काफ़ी अच्छी रेंज देखने के लिए मिली है, दो दिन से इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, दो दिन हो चुके हैं स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम आ रही है। एज यूजल आप लोगों को पता ही, अगर रेंज भी कम होती है तो एक्सपेंड होना होगा, दो दिन से एक ही रेंज में तो एक्सपेंड होगा। ऊपर ब्रेकआउट देगा हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, नीचे ब्रेकआउट डाउन देगा तो हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, इसमें दोनों साइड का एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान बनाएंगे। अप साइड पर हमारा क्या टारगेट रहेगा, 537, आसानी से हम लोगों 537.3 टारगेट अचीव हो जाएगा अप साइड, और डाउन साइड में हम लोग अपना टारगेट बनाएंगे 517। परसेंटेज वाइज मैं चेकआउट करके देख लेता हूँ, जो टेबल टारगेट है अपसाइड का हमें एक टारगेट 1% का सॉरी देखने के लिए मिला टारगेट, और डाउन साइड में भी हमें बेहतरीन टारगेट देखने के लिए मिल रहा है अंबुजा साइड में, अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड हमें 1% का मूव देखने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस आप लोग उसका भी व्यू एकदम क्लियर होगा, गाइस समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। फोर्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है हमारा बाटा इंडस्ट्रीज, तो भी अगर हम लोग देखेंगे सेम एक्साइड के ऐसा इसमें पैटर्न देखने मिला, बस गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती इसमें, पर हाँ पैटर्न हमारा कुछ वैसे ही हमें नज़र आ रहा है। 1660 जो इसकी लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे इसका ब्रेकआउट देगा तो हम लोग जाएंगे यहाँ से बाई साइड के लिए, और हम लोग इसमें जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1673, ये बनेगा हमारा पहला टारगेट, और 1680 बन जाएगा हमारा आसानी से दूसरा टारगेट। परसेंटेज वाइज भी इसको अगर हम लोग चेकआउट करना चाहें तो आगे एक्सपेंड कर लेता हूँ, अराउंड 1% का मूव हमें स्टॉक में देखने मिला। तो आज के सेशन में जो हमें स्टॉक मिले बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं, जिसमें हमें टारगेट जो है 1% का देखने मिला है, जो एक्सट्रीम टारगेट मैं कह सकता हूँ इंट्राडे के पर्पस। शॉर्ट साइड का व्यू बनाना चाहे अगर आप लोग तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल दिखाने के बाद ब्रेकडाउन दे दे
ब्रेक डाउन पर हम लोग जाएंगे यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए, और टारगेट हम लोगों को आसानी से मिल सकता है 1640 का। आई होप गाइज आप लोगों को इसका भी व्यू क्लियर होगा। मैं इसको भी परसेंटेज वाइज देखूँ, 0.65% का मूव हमें आसानी से मिल सकता है। और याद रखिए जो लोग, अगर कई बार क्या होता है एंट्री मिस हो जाती है ऐसी जगह पर, एंट्री अगर मिस हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो याद रखिए अगर यहाँ पे आगे एक दो कैंडल भी रुकता है फिर ब्रेक डाउन देता है आपका, तो आप लोग एक और शॉर्ट साइड का व्यू बना सकते हैं, फिर हमें बहुत बड़ा टारगेट 1627 तक का भी देखने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस सारी चीज़ों का एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और चार इंट्राडे स्टॉक्स का एनालिसिस आप लोगों समझ में आ गया होगा, और गाइस समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपना सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।